मिशन इम्पॉसिबल 8 ये जो फिल्म है, ये जो मूवी है, काफी जबरदस्त होता है, आपको ये पता, हमें भी पता है, लेकिन ये डिले हो गया है एक साल, मतलब और एक साल बाद आएगा। अब जब भी आएगा, आप लोगों को पता है, जो भी इनके फैन है, हम भी है, लेकिन हम उतना ध्यान नहीं देते, गजब बेइज्जती है, लेकिन आप लोग ध्यान देते हैं तो जरूर बताइए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि हॉलीवुड की स्थापना कब हुई थी, आपको पता है तो बताइए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। 1903 में इसकी स्थापना हुई थी। काउंट ऑफ मोंट क्रिस्टो ये जो है पहला मूवी था जो 1908 में रिलीज किया गया था। इस तरह की कुछ अपडेट है, आपको ये चीज पता है कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स मॉर्निंग में। आज कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि हमारी सेहत थोड़ा डाउन है, ठंड आ गया है, सर में दर्द है, इस वजह से नहीं आया। लेकिन कल एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो आ रहा है, उसके लिए स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था कि कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड है जो फोन को अपना डाउनग्रेड करता है। 36% लोगों ने कहा कि भैया Xiaomi, Redmi और Poco का फोन सबसे ज्यादा डाउनग्रेड होते हैं। फिर 26% लोगों ने कहा कि Oppo, Realme और OnePlus ये जो फोन है डाउनग्रेड होते हैं। कुछ 19% लोग ऐसे हैं जो Apple का फोन को बोलते हैं डाउनग्रेड होता है। कौन है ये लोग? 13% लोग जो बोलते हैं कि Samsung का फोन डाउनग्रेड होता है। 6% लोग जो है आईक्यू और वीवो का नाम लेते हैं, जो काफी बड़ी मतलब एक शॉकिंग न्यूज है। आपको ये चीज पता था? आपके हिसाब से कौन डाउनग्रेड सबसे पहले करता है, कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं, दिल्ली के एडवोकेट है, उनके साथ 50 लाख रुपए का स्कैम हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो नंबर है वो स्वैप हो गया था। स्वैप होने की वजह से ओटीपी जो भी आया तो इनको नहीं मिला और जहां स्वैपिंग हुआ था उनके पास गया और 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस तरह की न्यूज़ निकल के आ रही है। इसी पे एक जबरदस्त वीडियो कल आएगा, पूरा डिटेल में हम बताएंगे, उसके लिए स्टे ट्यून करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कल का वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेहनत करके बनाया हूँ, तो जरूर देखिए। स्कैम की बात हो रही है तो फ्लिपकार्ट कैसे पीछे रहेगा। एक बंदा आर्या नाम का है, वो छत्तीसगढ़ का कहीं का है। वो क्या किया था, सोनी का ब्राविया टीवी मतलब से परचेस किया 50 इंच वाला, और जब आया बॉक्स को, मतलब वो यूट्यूबर वगैरह भी है शायद, ऐसा मुझे कहीं तक पता चला, तो उन्होंने क्या किया, जब अनबॉक्सिंग किया तो अनबॉक्सिंग में अंदर से थॉमसन का टीवी निकला, खत्म। उन्होंने ट्वीट भी किया, इस तरह कुछ अपडेट है। क्या लगता है इसकी किसकी गलती है, बॉक्स सोनी का आया और थॉमसन का टीवी निकला अंदर से, कमेंट में जरूर बताइए। बात करते हैं अब रिलायंस की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि स्पेस सैटेलाइट वाला नेटवर्क जो है जियो फाइबर वाला, वो रोल आउट हो चुका है और 4 बड़े बड़े सिटी में आया है, जिसमें से गुजरात, आसाम, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 4 जगह पर आपको देखने को मिलेगी। इस तरह कोई न्यूज़ निकल के आ रही है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है IMC 2023 का। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया जो है रिप्रेजेंट करेगा 6G को IMC 2023 में। इस तरह कोई न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है 6G सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं, कमेंट में जरूर। बात करते हैं गूगल की। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है। गूगल जो है अपना क्या कर रहा है कि अगर कुछ भी आप सर्च करते हैं और वो स्कैम मिलता है, तो गूगल में ये प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अभी एक ऐसा टूल, 3 ऐसे टूल लेके आए हैं जिसकी वजह से कोई भी स्कैमिंग वाला मैसेज या फोन नंबर या कुछ भी ऐसा फालतू चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा गूगल सर्च में। वहीं गूगल एक नई अपडेट निकल के आया है, जिसके हिसाब से क्या होगा कि जो भी अभी जितने भी क्रिएटर वगैरह है, चाहे वो यूट्यूब में काम कर रहे हैं या कहीं पर भी, वो क्या करते हैं कि AI की मदद से अपना वीडियो को एडिट वगैरह और बहुत सारी चीज़ करते हैं और डाल देते हैं, करना कुछ नहीं रहता, सब AI करता है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और वो कंटेंट को रिमूव किया जाएगा। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। अब ये जो है गूगल कब तक काम करेगा, लेकिन ऐसी कुछ अपडेट निकल के आ रही है। वहीं बात करते हैं गूगल मैप में नया अपडेट आया है, जिसमें जितने भी रेसिडेंट एरिया है और रिलीजन के हिसाब से जो भी एरिया है उसको बांट दिया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू के हिसाब से दिखाया जा रहा है। तो जाइए देखिए, स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए बात करते हैं नोकिया की। नोकिया की तरफ से बहुत सारी खबर है। सबसे पहले नोकिया ने टाटा प्ले के साथ कोलेबोरेशन किया है और वाईफाई 6 का नया जो राउटर वगैरह जो भी आएगा वो नोकिया की तरफ से आएगा। इस तरह कुछ अपडेट निकल के आ रही है। वहीं बात करते हैं नोकिया ने 105 करके एक अपना फोन लॉन्च कर दिया है। 1299 रुपए इसकी प्राइस है, 4G वाला है और इसमें आपको UPI पेमेंट वगैरह देखने को मिलता है। इस तरह कुछ अपडेट निकल के आ रही है। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। बात करते हैं एप्पल की। iOS 17.2 बीटा में अपडेट बहुत जल्दी होने वाला है। इस तरह कुछ अपडेट निकल के आ रही है, बहुत ही जल्दी आएगा। वहीं बात करते हैं एप्पल जो है 2024 में मतलब अफोर्डेबल रेंज का मैकबुक अपना लाने वाला है। इस तरह ही कुछ अपडेट निकल के आ रही है, जो बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन उनका एप्पल का वॉच अल्ट्रा जो आने वाला है, चाहे वो
10 होगा या जो भी होगा वॉच 10, ऐसा बताया जा रहा है कि 2024 में नहीं आएगा, 2025 में इसको लॉन्च करेगा एप्पल। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। चलिए वक्त होता है आपके सवाल लेने का। तो साकिब भाई का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि रियलमी 10 प्रो प्लस में 8.35 का अपडेट आ गया है, वीडियो हमने दिया है लेकिन हमारे फोन में अभी तक अपडेट नहीं आया है। तो इन्होंने सवाल किया कि भैया अपडेट आ गया है, कुछ वीडियो वगैरह दीजिए। तो देखिए वीडियो वगैरह मिलेगा जैसे ही अपडेट आएगा, चाहे जितना भी रात में आए, जिस वक्त भी आए, आपको वीडियो मिलेगा और सारा चीज हम बताएंगे आपको कि इसमें क्या है नहीं है सब कुछ। स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब। चलिए बात करते हैं Redmi का 13C। ये जो फोन है इसका बॉक्स वगैरह दिख रहा है और चार कलर पे आएगा जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। वहीं बात करते हैं Redmi Note 13 सीरीज की। तो Redmi Note 13 सीरीज ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में जो आने वाला है वो हाइपर OS के साथ आएगा। इसकी लीक्स आई है, इस तरह की कुछ अपडेट है, आप देखिए आएगा तो मजा आ जाएगा। वहीं Xiaomi ने अपना एक MIUI करके एक वॉच लॉन्च किया है, लेकिन ये चाइना में लॉन्च हुआ और होप ये इंडिया में लॉन्च हो जाए। 9,000 रुपये इसके प्राइस है, लेकिन बच्चों के लिए ये है और इसमें वीडियो कॉलिंग वगैरह है, सारा फीचर्स जो है पेरेंट्स के मोबाइल में रहेगा और वहां से एक्सेस कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। बात करते हैं आप Realme के। Realme का जो है Realme 12 Pro Plus, ये जो फोन है ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी दिसंबर के एंड तक देखने को मिलेगा। और खास बात ये रहेगा कि इस बार 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ शुरू ही होगा, उससे नीचे का नहीं रहेगा। इस तरह कुछ अपडेट आप देखिए, ये लीक्स है, आपको जो भी लगता है सर। बात करते हैं Realme GT5 प्रो। ये जो फोन है ये टेना में लिस्ट हो गया और इसकी स्पेसिफिकेशन 8th generation 3 LPDDR5T वाला रैम, 6.7 इंच का इसमें जो पैनल दिया जाएगा वो ऐसा बताया जा रहा है कि 144Hz के साथ आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। वहीं बात करते हैं इसमें जो कैमरा है 50-50 और 8MP का रियर कैमरा, 32 का सेल्फी, 5600mAh की बैटरी इसमें देखने को मिलेगी और 100W का फास्ट चार्जिंग। आपको क्या लगता है इसकी प्राइसिंग कितनी होगी और ये 12 सीरीज बन के क्या इंडिया में आ सकता है, कमेंट में। बात करते हैं आप सैमसंग की। दो खबर आ रही है, सबसे पहले सैमसंग का A15 ये जो है OLED पैनल के साथ लॉन्च होगा। वहीं सैमसंग का S24 सीरीज जो आने वाला है उसमें सैटेलाइट नेटवर्क देखने को मिलेगा, मतलब SOS सिस्टम में बस काम होगा। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, जब आएगी तो आपको सारी डिटेल। चलिए बात करते हैं अब iQOO की। iQOO का जो 12 सीरीज है उसमें 144Hz का डिस्प्ले, 8th generation 3 का प्रोसेसर और यहां पर जो है आपको वही LPDDR5T वाला रैम देखने को मिलेगा। फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं किस तरह का है और इसमें जो कैमरा होगा इस बार 50-50 और 64MP का। ये लोग कैमरे में फोकस कर रहे हैं, गेमिंग अच्छा होगा या क्या होगा, जो भी होगा जरूर बताएंगे कमेंट में जैसे ही कुछ लिख। चलिए बात करते हैं टेक्नो स्पार्क 8 गूगल प्ले कंसोल में लिस्ट हो गया है यूनिसॉक T606 का प्रोसेसर के साथ, बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन बात करते हैं अब हॉनर के। हॉनर का हॉनर मैजिक 6 ये जो फोन है बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है चाइना में, इंडिया में भी हो सकता है ये आए। 8th generation 3 के साथ ये भी लॉन्च होगा, इस तरह कुछ अपडेट निकल के आ रही है, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म, बात करते हैं डील्स और ऑफर की। तो सबसे जबरदस्त अमेज़न में बीट XP करके एक स्मार्ट वॉच है, 999 मिल रहा है, एक्चुअल प्राइस 6,000 रुपए है, जाके देख सकते हैं। आईफोन 15 में 30,000 तक का डिस्काउंट है, तो जाके देखिए कैसे डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन हमें पता चला तो बता दिया। वहीं बात करते हैं पोको का पॉड्स जो है 900 रुपए, 899 रुपए मिल रहा है, तो जाके देख सकते हैं, काफी जबरदस्त डील्स है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए और कल एक सुबह में मॉर्निंग में काफी जबरदस्त वीडियो आ रहा है, उसके लिए स्टे ट्यून करिए और कोई भी सवाल है जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।